हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एस लेवल का एक छोटा सा टॉपिक और वो है फ्री ट्रेड एरिया। उसको डिफाइन करने के लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ये रही डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर और ये रहा मैं ऊपर टंगा हुआ थोड़ा सा, थोड़े से मेरी मुराद थी छोटा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा तो मैं हूं नहीं। फ्री ट्रेड एरिया के ऊपर बात करते हैं। अ फ्री ट्रेड एरिया इज अ रीजन इन विच अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैज साइंड अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टू मेंटेन लिटिल और नो बैरियर टू ट्रेड। जब हम फ्री ट्रेड एरिया की बात करते हैं तो बास डेफिनेशंस में मैं देखता हूं कि लिखा हुआ होता है फ्री ट्रेड एरिया इज अ रीजन। माइंडेड के कोई रीजन होना जरूरी नहीं है। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि कुछ करीब करीब कंट्रीज आपस में फ्री ट्रेड एरिया डेवलप कर रही होती हैं, तो वहां तो कहा जा सकता है कि फ्री ट्रेड एरिया इज अ रीजन, लेकिन बास केसेस में बहुत ही डिफरेंट रीजन से स्कैटर्ड कंट्रीज आपस में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रही होती हैं, तो उनको फिर ये कहना कि इट इज अ रीजन वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि फ्री ट्रेड एरिया की टर्म में एरिया का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम इसको जनरली स्पीकिंग इस तरह डिफाइन कर देते हैं कि इट इज अ रीजन। जबकि याद रखें कि जरूरी नहीं है कि कोई ये रीजन हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत डिस्टेंट कंट्रीज में भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो सकता है। मिसाल के तौर पर कोई कंट्री जो है, एक रशिया है तो दूसरी साउथ अफ्रीका है, अब बेनता डिस्टेंस है, और तीसरी हम अज्यूम कर लेंगे कनाडा है। अब तीनों कंट्रीज एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तो एज अ रिजल्ट उन्हें एक रीजन तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन फ्री ट्रेड एरिया के टर्म में, क्योंकि एरिया की टर्म आ रही है, इसलिए हम उसको ये कह देते हैं कि फ्री ट्रेड एरिया इज अ रीजन, जबकि वो एक अग्रीमेंट है सिर्फ कुछ कंट्रीज के दरमियान। तो उसके लिए हम दूसरी डेफिनेशंस भी डिस्कस करेंगे, और ये डेफिनेशन भी गलत नहीं है। सिर्फ मैंने रीजन के लफ्ज को जरा सा एक्सप्लेन कर दिया कि जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वो कोई रीजन ही हो। तो अ फ्री ट्रेड एरिया इज अ रीजन इन विच अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैज साइंड अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टू मेंटेन लिटिल और नो बैरियर एट ऑल। कि आपस में वो फ्रीली ट्रेड करेंगे बिल्कुल, ये उनके दरमियान अग्रीमेंट हो रहा है, या तो बहुत मामूली से बैरियर्स होंगे या बैरियर्स होंगे ही नहीं, राइट? अब यहां ट्रेड बैरियर्स से क्या मुराद है, आई होप कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूं थोड़ा कि जब डिफरेंट कंट्रीज अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट में डेफिसिट्स फेस करती हैं, तो उस डेफिसिट से बचने के लिए अक्सर वो फॉरेन कंट्रीज की जो इंपोर्ट्स उनके आ रही होती हैं उनको डिस्करेज करने की कोशिश करती हैं, और उन इंपोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए जो वो तरीके इस्तेमाल करती हैं हम उनको ट्रेड बैरियर्स कहते हैं। अब जाहिर बात है कि हम बात करते हैं कि ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने के, क्योंकि सर्टेन डिसएडवांटेजेस हैं, इसलिए अक्सर कंट्रीज आपस में इस अग्रीमेंट पर पहुंचती हैं कि नहीं, हम आपस में किसी किस्म के किसी ट्रेड बैरियर को इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम ट्रेड फ्रीली करेंगे, तो उसे हम फिर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कहते हैं। और जिन कंट्रीज के दरमियान वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो रहा हो उसको हम सिंपली फ्री ट्रेड एरिया कहते हैं। आई होप के आपके बात समझ में आ रही होगी। मिसाल के तौर पर ये क्या कहते हैं, दूसरी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है यहां पर, ये मेरी अपनी खुद साख्ता डेफिनेशन है। अ फ्री ट्रेड एरिया इज एन अग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज टू अवॉइड एनी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर व्हाइल ट्रेडिंग विद ईच अदर, सो दैट दे ट्रेड विद ईच अदर फ्रीली। अब जाहिर बात है कि हमें पता है कि वो जो ट्रेड बैरियर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो टैरिफ बैरियर्स भी होते हैं, यानी कि
सॉर्ट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, सॉर्ट ऑफ क्या बल्कि इम्पोर्ट ड्यूटी, उसे कस्टम्स ड्यूटी भी कहते हैं, और जो कि एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स होता है इम्पोर्ट्स पर, आप दूसरों की इम्पोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके अलावा जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उसमें कोटा, एम्बार्गो और अपनी फर्म्स को सब्सिडीज देना छुपके, ये सब कुछ आ जाता है। लेकिन जब आप किसी के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की डील साइन कर रहे हैं, जब आप किसी के साथ अग्रीमेंट कर रहे हैं कि आप एक दूसरे से फ्रीली ट्रेड करेंगे, तो फिर गुंजाइश नहीं रह जाती कि आप उसके ऊपर कोई टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर लगाएं, और नतीजा ये निकलेगा कि आप लोग फ्रीली ट्रेड कर रहे होंगे, वो कंट्रीज फ्रीली ट्रेड कर रही होंगी विदाउट एनी बैरियर के, राइट? तो फिर अ फ्री ट्रेड एरिया इज अ रीजन इन विच अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैज साइंड अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टू मेंटेन लिटिल और नो बैरियर टू ट्रेड। ठीक है, फिर उसकी एक दो एग्जांपल्स दे दी है मैंने यहां पर, आप देख सकते हैं। वन एग्जांपल ऑफ एफटीए इज ईएफटीए, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, विच कंसिस्ट्स ऑफ नॉर्वे, आइसलैंड एंड स्विट्जरलैंड। नॉर्वे, आइसलैंड एंड स्विट्जरलैंड और एक आध कंट्री और भी है इसमें मेरे ख्याल में, उनके दरमियान फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है और वो एक दूसरे से ट्रेड फ्रीली कर रहे होते हैं। फिर नेफ्टा के बारे में तो आपने लाजमी सुना होगा, काफी मशहूर है, राइट? उसमें मेनली यूएसए, मैक्सिको और कैनेडा जैसी कंट्रीज शामिल हैं। नेफ्टा का मतलब है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन या फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ये तीनों कंट्रीज आपको मालूम है कि नॉर्थ अमेरिका से ताल्लुक है इन तीनों कंट्रीज का, यूएसए, मैक्सिको और कैनेडा। सो दीज आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री ट्रेड एरिया, और उसमें बात बड़ी आसान है कि फ्री ट्रेड एरिया का मतलब ये है कि सारी कंट्रीज में, उन कंट्रीज में अग्रीमेंट हो रहा है कि कोई एक दूसरे के ऊपर किसी किस्म का ट्रेड बैरियर नहीं लगाएंगी और आपस में फ्रीली ट्रेड कर रहे होंगे। फिर हम बात करते हैं कि एक और तरीके से डिफाइन कर दिया कि एक्चुअली दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स, FTAs like EFTA and NAFTA are actually contracts between nations to allow access to their markets. जाहिर बात है कि जब हम barriers लगा रहे होते हैं तो हम एक दूसरे को access allow नहीं कर रहे होते अपनी markets का, तो फिर obviously free trade agreement का मतलब यही हो गया कि हम दूसरे nations को अपनी domestic markets तक, local markets तक access फराहम कर रहे हैं। और याद रखें कि ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ये यूजुअली पहला स्टेप होता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ। आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि करीब आना, क्लोज आना, जुड़ जाना। ठीक है, तो यहां बात कर रहे हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, कि इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, बिजनेस रीजंस की वजह से जब कंट्रीज एक दूसरे के करीब आती हैं तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का एक पार्ट आपस में फ्री ट्रेड एरिया डेवलप करना है, राइट? आई होप कि आपकी बात समझ में आ रही होगी। हो क्या रहा है फिर उससे, जब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो रहा है और कोई टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं कि इन एब्सेंस ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, countries will be forced to specialize in those goods and services in which they have a comparative cost advantage. Zahir hi baat hai ki jab tamam qisam ki trade barriers hat jayenge to phir majbooran countries ko unhi cheezon mein large scale production karni padegi, unhi cheezon pe focus karna padega, unhi cheezon par specialize karna padega ki jin mein unke paas comparative cost advantage hai. कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की टर्म से, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कंपैरेटिवली आपको दूसरे के मुकाबले में कॉस्ट एडवांटेज है, आप वो चीज सस्ती प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? तो अब होगा ये कि अगर पाकिस्तान को किसी चीज में कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है और वो इस चीज को, उस चीज को जापान एक्सपोर्ट कर रहा था और जापान इंपोर्ट ड्यूटीज लगा रही थी, और जिसकी वजह से पाकिस्तानी, फॉर एग्जाम्पल, कॉटन जापान में महंगी पड़ रही थी और पाकिस्तान के कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहा था, तो तमाम बैरियर्स हटा देने से यह होगा कि जापान पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ्स इंपोज नहीं कर पाएगा, और पाकिस्तानी कॉटन सस्ती होने की वजह से जापानीज मार्केट में फिर लाजमी बिकेगी, क्योंकि जापान इस पोजिशन में नहीं है कि उसके ऊपर क्या कहते हैं कोई बैरियर लगा सके। ठीक है, घर में रिकॉर्डिंग करने का एक फायदा ये होता है कि साउंड इफेक्ट्स भी आपको सुनने को मिल रहे होते हैं,
कभी किचन से बर्तनों की आवाजें, कभी कुछ, और अभी मेरे पीछे गली में कोई कुछ बेचने वाला आ गया है, ट्रेड की बात हो रही है तो वो ट्रेड करने आ गया है, तो उसको माइंड मत कीजिएगा, ठीक है ना, उसको एक साउंड इफेक्ट समझ के बर्दाश्त कीजिएगा। तो बात ये हो रही है कि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का मतलब ये है कि किसी चीज को आप सस्ता प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जब आप सस्ता प्रोड्यूस कर सकते हैं तो फॉरेन मार्केट्स आपसे ही खरीदेंगी, लेकिन अगर उन्होंने आपके ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगाए हुए होंगे तो आप वहां नहीं बेच पाओगे। लेकिन जब टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर खत्म हो जाएंगे और फ्री ट्रेड हो जाएगा, तो फिर आसानी से आप एक दूसरे की मार्केट्स तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं, और हर कंट्री वो चीज प्रोड्यूस कर रही होगी जहां उसके पास कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है, जहां वो एफिशिएंट है, जहां वो मोस्ट प्रोडक्टिव है, तो ये एक तरह का ऑब्वियसली बेनिफिट ही है। और फिर आखिर में मैं ये बात करूंगा कि इससे फिर हो क्या रहा है कि जब फ्री ट्रेड एरिया डेवलप हो रहा है और हम उससे वो चीज खरीद रहे हैं, उस कंट्री से वो चीज खरीद रहे हैं जो उसे सस्ता प्रोड्यूस कर रही है फ्री ट्रेड की वजह से, तो ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग उससे कम होगी, हमें चीजें सस्ती मिल रही होंगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगी, और जो रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमें अवेलेबल थी वो बढ़ जाएगी। आई मीन सिर्फ गुड्स की बात हो रही है यहां पर मेनली, ठीक है, तो जो रेंज ऑफ गुड्स एंड गुड्स है वो बढ़ जाएगी, और ऑब्वियसली उसका नतीजा ये निकलेगा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा हो। लेकिन ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगी या नहीं होगी, ये सिर्फ फ्री ट्रेड एरिया के एग्जिस्ट करने पर डिपेंड नहीं करता, ये और बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हमें करना ये होगा कि फ्री ट्रेड एरिया को डेवलप करते वक्त हमें कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना होगा, और उस कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस में अगर हम ये देखेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिंग अ फ्री ट्रेड एरिया इज ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन द कॉस्ट्स, देन ओनली द कंट्रीज विल गो टुवर्ड्स फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, आई होप कि आपकी बात समझ में आई होगी, राइट। हम इस पर मजीद बात करेंगे अभी कस्टम्स यूनियन पर भी, और प्लीज अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो मुझे सुनते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो, और प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, कुछ मेरी भी फ्यूचर इनकम डेवलप हो जाएगी। ठीक है, 1,000 सब्सक्रिप्शन पूरे हो जाने के बाद तो जरा देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।